Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 9th chapter motion, we will solve some numerical portion of NCERT exercise. तो आज के इसमें हमारा जैसे कि चैप्टर की थ्योरी मैंने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन और एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स यानी कि इन टेक्स्ट से और एक्सरसाइज के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रीवियस लेक्चर्स में विद थ्योरी जहां पर थ्योरी है वहीं पर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर रखे हैं और वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. तो आपको अगर किसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से चाहिए जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आपको उसके वीडियो में मिल जाएंगे, उसके लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एवरेज वेलोसिटी वाले उसके लेक्चर में मिल जाएंगे. और जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो फाइनल जिसके इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, तो हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करने का एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसमें मैं यहां पर न्यूमेरिकल लिख करके पहले आपके लिए शो कर रहा हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके ओके, तो यहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा. मैंने एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल लिया है. तो आप देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से. न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन के पर बेस्ड हम इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल यहां पे करेंगे. तो क्या है, देखिए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेग एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 m/s² फॉर 8 seconds. हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. देखिए क्या कह रहा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये पॉइंट को पकड़िए. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. On a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 m/s². एक जो कोई बोट है, कोई नाव है, वो किसी लेक में चल रही है. कैसे, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधे चल रही है पानी में. ठीक है, यानी कि आपकी झील में किसी में, तो उसमें क्या है कांस्टेंट रेट क्या है एक्सीलरेशन का 3 m/s² के एक्सीलरेशन से चल रही है और 8 seconds तक चलती है. तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. तो देखिए अगर 3 m/s² की स्पीड से वो चल एक्सीलरेशन से वो चले 8 seconds तक तो कितनी दूर चले जाएगी 8 seconds में, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक, तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है गिवन. देखिए सबसे पहले आपको गिवन ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. देखो कहीं पर u इक्वल टू 0 लिखा नहीं, उसने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अगर आपकी बोट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u 0 है. एक्सीलरेशन दिया हुआ है a, एक्सीलरेशन है आप समझते हैं 3 m/s² और टाइम t दिया है आपको 8 seconds. आपको क्या निकालना, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल मीन्स डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन दो है, यानी कि टोटल तो 3 equations ऑफ मोशन है. डिस्टेंस का टर्म दोनों होता है, एक तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as. क्या हम थर्ड का यूज कर सकते हैं, थर्ड के लिए हमें v फाइनल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है तो थर्ड इक्वेशन हम यहां पर यूज नहीं कर सकते. क्या हम सेकेंड यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए, u क्या हमें पता है, यस t ये भी हमें पता है, हाफ तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी पता है, टी भी पता है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो देखिए इससे हम इसको सॉल्व करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आप वैल्यू रखिए डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा. u कितना है 0 इंटू टी, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है फिर भी आप रख दीजिए, तो ये तो 0 से इंटू हो रहा है. तो टी कितना है 8 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a कितना है 3 इंटू टाइम टी है 8 का स्क्वायर. ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा एस इक्वल टू ये टर्म तो 0 हो गया, तो हमारे पास केवल ये टर्म बचा हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64. ओके, तो ये 2 से जो 64 हो जाएगा ये 32 टाइम्स कट हो सकता है, 32 टाइम्स ये 32 इंटू 3 करिए तो 32 जा 6, 33 जा 9, 96. अब 96 मीटर आएगा किलोमीटर आएगा, मीटर आएगा तो किलोमीटर तो जा नहीं सकती है 8 seconds में कोई भी नाव, ठीक है कोई भी बोट, तो 96 यूनिट जरूर पीछे से आपको लिखनी है, 96 मीटर वो दूर चले जाएगी
अगर कोई नाव को कोई बोट अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 8 सेकंड तक चलती है जो कि इनिशियल में रुकी हुई हो, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 8 सेकंड में? 96 मीटर दूर चली जाएगी। तो हमने न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ऐसे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपके लिए कोई दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख के शो कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया हुआ है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है हाइट ऑफ 20 मीटर से, यानी कि आपको एच दिया है या आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं एस। ओके, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसको एक्सिलरेशन या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी कह सकते हैं। ओके, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? जब ये बॉल जिसको 20 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है, जिस पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, तो इनिशियल में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? जब वो ऊपर हम जब उसको पकड़े हुए हैं हाथ में, तब तो बॉल रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। जब इस ये बॉल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। तो जब ये 20 मीटर से नीचे जब ये ग्राउंड में टकराएगी, तो ग्राउंड में टकराते समय इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। आगे, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? दूसरा, इसको 20 मीटर के हाइट से जब फेंका गया, तो ग्राउंड में गिरने में टकराने में ग्राउंड में टकराने में कितना टाइम लगेगा? ओके, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन को आप फिर रीड कर लीजिएगा। तो हमें इसमें गिवन क्या है, देखिए गिवन एक तो हम हाइट लिखें, तो हाइट को हम एच से डिनोट कर रहे हैं, एच इक्वल टू 20 मीटर। इफ इट्स अगर ये इनिशियल ऊपर से ड्रॉप की जा रही है, तो इनिशियली तो रेस्ट में होगी बॉल, इनिशियली रेस्ट में होगी, तो यहां पर ये भी हमें पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो, ये हमने खुद एज्यूम किया है। एज्यूम क्या किया, क्योंकि तो आप बॉल को जब फेंकेंगे, तो फेंकने से पहले तो रेस्ट में होगी बॉल, यानी कि यू क्या होगा, जीरो। ओके, और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इसको मैं यहां पर बॉल देखिए अंडर ग्रेविटी, ये हाइट वाला है अंडर ग्रेविटी, मैंने ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड किया हुआ है। या तो आप एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अंडर ग्रेविटी हम इसको जी से भी डिनोट कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और एक और चीज है हमारे पास, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, या तो आप इक्वेशन लगाइए थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, वी आपको निकालना है, यू आपको पता है, ए आपको पता है एक्सेलरेशन, और एस आप हाइट को एस मान लेंगे उस समय, ठीक है, इससे सॉल्व कर सकते हैं। या अंडर ग्रेविटी आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा, वी की वैल्यू आपको निकालनी है, U आपको 0 है, A आपको पता है एक्सेलरेशन 10, और S भी आपको पता है 20, इससे भी सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। मैं जो इक्वेशन लगा रहा हूं अंडर ग्रेविटी के अप्रोच आपके बनाने के लिए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2GH, ग्रेविटेशन के फॉर्म में हाइट के टर्म में हम A को G से रिप्लेस करते हैं जब ऑब्जेक्ट का विद हाइट यानी ग्रेविटी के साथ मोशन होता है, और S को H से, ठीक। ये अब यहां पर ऑब्जेक्ट को भी नीचे फेंका जा रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग रहा है अर्थ का, या जो भी उसने जनरली एक्सेलरेशन बोला, तो ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर लगेगा एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट का मोशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए जी को यहां पर प्लस ही लेंगे। अगर इसी बॉल को अगर ऊपर फेंका जाता, तो हम जी की वैल्यू फिर माइनस लेते। ओके, तो यहां पर देखिए सॉल्व कीजिए, तो वी तो हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 0, तो माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 into g, हमें दिया है 10, और इंटू हाइट, हाइट आपको दी है 20, तो इंटू 20, तो v स्क्वायर माइनस 0 तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 into 10 20, एंड 20 into 10 200, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पर, सॉरी हाइट हमें यहां पर 20 दी हुई है, जो हाइट हमें दिया हुआ है, हाइट हमें कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है,
तो 2 × 10 = 20, 20 × 20 कितना हो गया 400, तो v स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 400 हो गया, तो v कितना आ जाएगा √400, तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20, या सिंपल आप प्लस में वैल्यू लेंगे तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकल गई कि कितनी वेलोसिटी से नीचे ग्राउंड में हिट होगी बॉल, वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट होगी। ओके, तो यहां तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें एक और चीज निकालना, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाए, या तो आप एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या जिसको हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन हम उसे लगाइए, या फर्स्ट लगा लीजिए v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रखिए, t रखिए सब, लेकिन अंडर ग्रेविटी में अप्रोच बनाने के लिए आप इसे भी कर सकते हैं, ये भी सही होगा। अंडर ग्रेविटी में हम v इक्वल टू क्या लिखते हैं, u प्लस gt लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा v, हमें t निकालना है, तो v हमें पता है 20 इक्वल टू u है हमारा 0, इनिशियल वेलोसिटी u 0, प्लस g जो एक्सेलरेशन है वो कितना हमारा 10 है, या तो मैंने a लिखा या g लिखा, तो एक्सेलरेशन g 10 इंटू टी, तो यहां से 20 इक्वल टू हमारा हो गया 10t। तो यहां से देखिए आप सॉल्व करके t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 20, t इक्वल टू आ जाएगा 10, नीचे भेज दीजिए 20/10, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, s मीन सेकेंड। तो कितना टाइम लगना है, टाइम लगना है 2 सेकेंड, और वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, कर लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैंने यहाँ पर जो ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ बेस पर जो आपका न्यूमेरिकल लिया है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज से पहले बीच में इन टेक्स्ट आपके जो जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वहां पर ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस पकड़ लीजिए यहीं से, हम साथ में लिखते भी रहते हैं, या देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, तो फाइंड करना है क्या द स्पीड एक्वायर्ड यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप गिवन लिखिए कि हमें जो इंफॉर्मेशन जो हमें यहां पर है गिवन, एक तो u इक्वल टू 0 है, ठीक है, u इक्वल इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा है गिवन है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 आप पूरा लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपको पता है a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम t दिया है 2 मिनट्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इन यूनिट्स को MKS सिस्टम या SI सिस्टम में आपका सॉल्व करेंगे, तो टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकंड, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो t इक्वल टू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 × 60 सेकंड, तो t इक्वल टू सेकंड यानी कि 120 सेकंड। ओके, तो 120 सेकंड होंगे हमारे किस में 2 मिनट में, तो टाइम को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, पहला तो निकालना है a स्पीड एक्वायर्ड, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पहले पार्ट में, और सेकंड में डिस्टेंस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए v निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, आपके तीन इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड वाली इक्वेशन में v का टर्म तो होता ही नहीं, थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो थर्ड लगा नहीं सकते कि तो s नहीं पता, तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाइए आप समझ जाएंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो देखिए v निकालना है हमें, क्या हमें u गिवन है, यस 0 प्लस a 0.1 इंटू टाइम t कितना है 120 इंटू 120, तो v इक्वल टू 0 हो गया, ये तो हटा दीजिए, 0.1 इंटू 120 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल स्पीड एक्वायर्ड हमें मिल गई, पहला आंसर आ गया। ठीक, सेकेंड आंसर डिस्टेंस कवर्ड s है, तो सेकेंड इक्वेशन आप लगा दीजिए, या थर्ड भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि तो अब आपको सारी इंफॉर्मेशन है, या तो आप सेकेंड से सॉल्व कर लीजिए या थर्ड से, हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करके, तो s इक्वल टू u कितना है 0, u 0 है,
तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टाइम की वैल्यू रख दीजिए 120 प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन कितना है 0.1 इंटू टी स्क्वायर, टी मीन्स 120 का स्क्वायर। देखिए टाइम 120 है सेकेंड, 2 मिनट में लेना है, सेकेंड में लेना है 120, तो 120 का स्क्वायर, टी स्क्वायर के ऊपर 120 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, एस इक्वल टू ये टर्म तो जीरो हो गया, क्यों ये हमारे पास बचा, तो हाफ इंटू 0.1 120 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर 144, जीरो है तो दो जीरो आ जाएंगे पीछे से, तो एस इक्वल टू हाफ इंटू 0.1 से अगर आप इसको इंटू करेंगे 14400 को, तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा तो 1440 बन जाएगा, और s इक्वल टू यहां से हमारे पास 2 से जब आप इसको कट करेंगे तो 720 आ जाएगा इतना मीटर। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड आंसर, और ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ओके, तो एनसीईआरटी इंडेक्स न्यूमेरिकल था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया इजिली, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इन न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करें। ओके, एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी इंटेक्स्ट से लिया है, तो एनसीईआरटी इंटेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, ट्रेन पहले से ही चल रही है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम बाद में मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि तो किलोमीटर पर आवर में है, ऐसा यूनिट नहीं है स्पीड की, हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ब्रेक लग रहा है इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको दिया है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, इसको ब्रेक लगाने के बाद ये कितनी दूर जाएगी वो ट्रेन बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, रुकने से पहले। देखिए क्वेश्चन को फिर समझा रहा हूं मैं, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ठीक है, और ट्रेन में जो है आपको स्पीड से चल रही है बहुत अच्छे से पटरी पर, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं जैसे बाहर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ट्रेन से और सफर करते हैं तो बहुत अच्छा वहां पर लगता है, ठीक है, तो ट्रेन चल रही है, आप अज्यूम करिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स ऐसे लगाए गए कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि डी एक्सीलरेशन हो गया रिटार्डेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, ट्रेन कितने आगे जाएगी अगर उस पर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगाया जाए, कितने आगे तक जाएगी बिफोर ब्रॉट टू रेस्ट स्टेशन पर रुकने से पहले, ठीक, कितने आगे जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखिए गिवन हमें क्या दिया है, हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो u इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, इनटू 5/18 से, तो 90 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हम किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे, तो इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करिए, 18 से 90 5 टाइम्स कटेगा, वो 5 और ये 5 इंटू होके कितना बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। और हमें क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन a इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार द ट्रेन विल गो यानी कि डिस्टेंस s पूछा है, बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट मीन्स फाइनली वो रुक जाएगी, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 दिया हुआ है, v इक्वल टू 0 बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट मीन्स v इक्वल टू 0, तो आप इसको पहले लिख लीजिए फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, और हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड s। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, देखिए हमें u पता है, हमें a पता है, हमें v पता है, s निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तुरंत जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v की वैल्यू रखिए 0, 0 का स्क्वायर माइनस
साइन तो मिडिल का है फॉर्मूले का, u स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन माइनस 0.5 इनटू s, ये s मैंने ऐसे लिखा, देखिए ये 5 है ये s है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, 2as 2 एक्सेलरेशन लिखा -0.5 इनटू s, तो क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस साइन तो ये मिलेगा हमें 25, यस को ऐसे लिख देता हूं इस लाइन में, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25 का स्क्वायर -625 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 2 इनटू -0.5, 2 इनटू 0.5 1 बनेगा, माइनस साइन है तो -1 इनटू s, क्लियर, -1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 इनटू -0.5 मैंने आपको समझाने के लिए -1 लिखा है, माइनस से माइनस कटेगा तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 625 मीटर आंसर, यानी कि वो ट्रेन को देखा आपने, जिस ट्रेन से आप सफर कर रहे थे, जैसे ट्रेन से जब सफर करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी बहुत सारी उससे जो भी होते हैं यादें जुड़ी रहती हैं, जब भी आप पहली बार ट्रेन से सफर करते हो या फिर जब आप किसी बहुत अच्छे सफर पर जब आप सफर करते हैं तो हर किसी की यादें उससे जुड़ी रहती है, तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहां पर क्या है, हमने क्या किया, इससे सिंपली सॉल्व किया, तो हमें s कितना है 625 मीटर, क्वेश्चन में क्या था 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, बहुत स्पीड से ट्रेन जा रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही थी, तो हमने क्या कहा कि ट्रेन कितनी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ब्रेक लगाया तो कितने दूर जाके रुकेगी, तो देखिए 625 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो ट्रेन रुक रही है, तो इसीलिए ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे जाती है तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही उस पर आगे से ही ब्रेक्स लगाने स्टार्ट कर दी जाते हैं, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को भी आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कीजिएगा, ओके। तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल मैंने आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से ही लिया है, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, देखिए न्यूमेरिकल आप देखिए पहले, A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. देखिए, फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. What will be its velocity? 3 second. ये 3s है, means 3 second after the start. Very easy question है देखिए. A trolley while going down an inclined plane. किसी एक inclined plane में अगर हम किसी trolley को ले जा रहे हैं. ठीक है, तो जैसे आप शॉपिंग मॉल से आपने देखा हुआ है वहां पर जो रास्ता होता है हम ट्रॉली से सामान लाते हैं तो एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, तो उस इंक्लाइंड प्लेन में अगर हम उसको ले जा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आपने देखा होगा ना जब मॉल वगैरह से शॉपिंग करते हैं इंक्लाइंड प्लेन में ले जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है, डाउनवर्ड होता है अगर, ठीक, तो उसमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन मिलता है तो स्पीड बढ़ती है, तो यही यहां पर कह रहा है अगर एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उसकी 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, और ट्रॉली जो हो रही है यहां पर खुद ही हमने अगर उसको छोड़ दिया तो, ठीक, तो इनिशियली जब हम ट्रॉली को ऐसे अगर इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम उसको मूव कराएं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो यहां पर देखिए अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो गिवन यहां पर इंफॉर्मेशन u इक्वल टू 0, ट्रॉली को हमने मूव कराने से पहले एक्सेलरेशन a 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है तो सेकंड को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर, आपने देखा है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूं रिवर्स 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसी का रिवर्स मैंने बोला, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा इक्वल टू 2/100 मीटर, तो डिवाइड कर दीजिए 0.02 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदला 0.02 मीटर, सेकंड स्क्वायर नहीं बदलना है क्योंकि तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही बदल रहे हैं, ठीक है, तो a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदला तो हमने देखा 0.02 सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट हो गया और सेकंड स्क्वायर को हमने सेकंड स्क्वायर ही रखा, तो हम MKS सिस्टम में आ गए, ठीक है, SI सिस्टम, SI यूनिट में, और हमें क्या दिया है, टाइम दिया है, t इक्वल टू कितना दिया है 3 सेकंड, ये s का मतलब सेकंड है यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह मैं पूरा सेकंड लिख रहा हूं, ठीक, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सी इक्वेशन हम उसमें लगाएंगे, u पता है, a पता है, t पता है,
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा u 0 है, एक्सेलरेशन a है 0.02 इनटू t है 3, तो हमारे पास v आ गया 0.02 को 3 से इनटू करेंगे तो 0.06 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का एक और हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो आप इसको भी नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, अपने मन से सॉल्व कीजिए, फिर मैं एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का ही है, हमारा एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में बुक में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक्सेलरेशन दिया है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, देखिए 10 s है पीछे से सेकंड है, इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी क्या है, रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि डिस्टेंस आपसे पूछी है, इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होगा मींस इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, तो स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या है, इस समय हमें सबसे पहले अगर मैं देखें तो इसमें एक तो u 0 है, आफ्टर द स्टार्ट मींस स्टार्ट होने के बाद, यानी कि पहले रुकी थी, फिर इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, कार रुकी थी पहले, और हमें दिया है एक्सेलरेशन a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, यानी कि t दे रखा है हमें 10 सेकंड, ये s है सेकंड के लिए, एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर मींस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिस्टेंस, ये आप पूरा लिख लीजिएगा जब आप सॉल्व करें, टाइम एक्सेलरेशन a इनिशियल वेलोसिटी u डिस्टेंस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क s, ठीक। तो कौन सी इक्वेशन हम उसका लगाएं, तो देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं बाय, ये तो आपको इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन इतने महान साइंस फिजिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने मोशन को पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये कार कितनी दूर जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर आप वास्तव में अगर आप फीते से भी नाप के देखेंगे तो उतनी ही डिस्टेंस आएगी जितने यहां से निकल के आएगी, ठीक है। तो डेली लाइफ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं सारे, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू जीरो इंटू टी 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 इंटू टी 10 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू ये टर्म तो जीरो हो गया, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो s इक्वल टू 2 से 4 कट जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 2 इंटू 100 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच समझिए, अगर कोई रेसिंग कार का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और तो वो 10 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर आप देखें उसको फीते से तो आपका कितना आएगा 200 मीटर, अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो 200 मीटर आएगा, जो कि हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको भी, इस न्यूमेरिकल को भी समझिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा। तो आज के इस न्यूमेरिकल में जनरली हमने यहाँ पर जो भी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं बाकी वो हमने सारे सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हमारा वैसे ये चैप्टर मेन कंप्लीट होता है, हम आगे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन इसका कवर करते रहेंगे, तो आप और भी न्यूमेरिकल आप कीजिएगा चैप्टर मोशन से रिलेटेड। सारे वीडियोज YouTube पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप जाएगा तो क्लास 9th का चैप्टर मोशन पूरा वहां पर कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।